जब राजमाता चलकर आती है तो उनके बगल में कोई औरत औरत नहीं है, पर जब कैमरा नीचे से दिखाता है तो सफेद साड़ी में ये औरत आ जाती है, और जब कैमरा सामने से बताता है तो औरत फिर से गायब हो जाती है। इस सीन में हाथी पागल होकर राजमाता को मारने आता है तो अचानक से बाहुबली भी ये गाड़ी लेकर आ जाता है और फिर ये गाड़ी हाथी को टक्कर मार देती है। पर बाहुबली को कैसे पता चला कि हाथी अभी कहाँ पर है, क्योंकि जब हाथी पागल हुआ तो बाहुबली अंदर था, तो इसे कैसे पता चला कि हाथी अभी कहाँ पर है। और जब बाहुबली ये गाड़ी लाता है तो ये गाड़ी बस इतनी सी बड़ी है, पर बाद में ये इतनी बड़ी हो जाती है। इस सीन में बाहुबली का हाथ एकदम खाली है, पर जब ये करते हैं तो अचानक से इनके हाथ में ये कुल्हाड़ा आ जाता है। बाहुबली जब बाहर निकलता है तब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर बाहुबली था, मतलब जब बाहुबली नीचे था तब किसी ने नहीं देखा। ओ भाई, राजमाता ये पेंटिंग देखकर कहती है कि आंखों में चमक नहीं है। आंखों में चमक नहीं है मतलब माता जी ये पेंटिंग है पेंट से बनाई हुई, अब इसमें चमक कहाँ से आएगी। जब बाहुबली और कटप्पा इस तालाब में पानी पीने जाते हैं तो अभी इस तालाब में एक भी लाश नहीं है, पर अचानक से ये तालाब लाशों से भर जाता है। अब इतनी से देर में इतनी सारी लाशें आई कहाँ से। देवसेना इस कपड़े को बस बीच में से काटती है और अभी ये कपड़ा एकदम सही है, पर जैसे इस कपड़े को ऐसे करती है तो इस कपड़े के टुकड़े हो जाते हैं। अब इतने सारे टुकड़े हुए कैसे, क्योंकि देवसेना ने तो बस एक ही जगह से काटा था। और जब देवसेना इस कपड़े को ऐसे करती है तो ये सारे बंदे हवा में ऐसे ही उड़ जाते हैं। बाहु जब इस पेड़ पर ये छुरा मारता है तो ये पेड़ इन लोगों के ऊपर गिर जाता है, और ये लोग भी बस पेड़ को देख ही रहे हैं, यूनी के पेड़ आ रहा तो दूर हट जाएं। और यार बाहुबली ने भी पूरी कैलकुलेशन कर ली थी कि पेड़ कटप्पा ऊपर नहीं गिरेगा। जब देवसेना और कुमार सुअर का शिकार करते हैं तो दूर खड़े इन लोगों को पता चल जाता है कि सुअर किसने मारा, पर कैसे यार, क्योंकि ये लोग तो आगे जा ही जा रहे हैं और ये लोग तो एक ही जगह पे खड़े हैं, तो फिर इनको पता कैसे चला। जब देवसेना के महल पर हमला होता है और ये लोग बाहुबली को पकड़ते हैं तो ये सैनिक अपने किसी साथी को पकड़ने लग जाता है। अरे भाई, डायरेक्टर ने बाहुबली को पकड़ने की बोला था। बाहुबली जब कीक मारता है तो इसने अभी पैर उठा लिया है, पर जब कैमरा दूसरे एंगल से बताता है तो पैर तो ये अब उठाता है। और यार ये तीनों भी चुपचाप खड़े हैं कि बाहुबली मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बाहुबली यहाँ पर इस रस्सी से आता है और ये रस्सी अभी भी यहीं पर है, पर जब बाहुबली जाता है तो रस्सी यहाँ से गायब हो जाती है। जब बाहुबली तीर चलाता है तो देवसेना के पीछे अभी कोई नहीं है, पर बाद में ये बंदे आ जाते हैं। पर बाहुबली ने तो इनके आने से पहले तीर चला दी थी, तो इसे पता कैसे चला कि यहाँ पर कोई आने वाला है। बाहुबली और देवसेना कब से तीर चला रहे हैं, पर फिर भी इनका एक भी तीर कम नहीं हुआ, मतलब तीर चल रही थी तो खत्म तो होनी थी ना। जब ये लोग रस्सियां लेकर जाते हैं तो इनका साइज देख लो, मतलब 10 या 15 या फिर 20 फीट तक की होगी ये। पर जब इन रस्सियों को बेलों से बांधकर लंबी करते हैं तो ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब ये तो अपने जोनी भैया के रस्से से भी लंबी निकली। बाहुबली जब इस बेल से इन पत्थरों पर छलांग मारता है तो मुझे लगा बाहुबली के पैरों की कटोरियां निकल गई होगी, पर जब मैंने गौर किया तो इन पत्थरों पे तो कोई कपड़ा रखा हुआ था ताकि बाहुबली की कटोरियां बच जाए। बाहु जब इसे मारता है तो ये अपना हाथ पत्थर पर खुद ही रख लेता है कि ले मार मुझे। जब देवसेना नाव में बैठने आती है तो ये पटिया नीचे गिर जाता है और फिर अपना बाहुबली नाव को पास लाकर ऐसे खड़े हो जाता है और फिर देवसेना ऊपर से होकर निकलती है। पर बाहुबली भैया जब नाव को पास लाना ही था तो यहाँ तक ले आते। बाहुबली और देवसेना इस वाली नाव में बैठते हैं, पर बाद में नाव ऐसी हो जाती है। जब ये लोग नाव के अंदर से देखते हैं तो हाथी की सूंड दिखाई देती है, पर जब इसी सीन को दूर से बताते हैं तो हाथी तो इतना बड़ा होता है तो यहाँ से हाथी का पैर दिखाई देना चाहिए, ये ना कि ये सूंड। इस सीन में ये बाबा जी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सूचना देते हैं, पर ऐसे तो इनकी आवाज महल के बाहर तक भी नहीं जाएगी, क्योंकि यार ये महल इतना बड़ा है तो यार बाहर इनकी आवाज घंटा जारी होगी। और अपने बाहुबली भैया भी बस धीरे धीरे बोलते हैं, पर फिर भी इन सबको इसकी आवाज सुनाई देती है। हाँ यार, बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपके मिस्टेक यान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।